بسم الله الرحمن الرحيم. आज मैं शुगर टेस्ट की थी 240 उत्तर मिली 300 400 सही गल है अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे इंशाल्लाह। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक, बहुत ही मज़े में और खैरियत से हूँ बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह। और आज मैं बना रही हूँ केक अपने डैडी के लिए, आलमंड केक बना रही हूँ। मैं सिखा चुकी हूँ, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, वहाँ से आप इसकी कम्प्लीट रेसिपी देख सकते हैं। और वैसे भी आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है जो जो इंग्रेडिएंट्स मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। आप अगर एज इट इज़ इसको डालेंगे तो केक आपका बहुत ही ज़बरदस्त और यमी यमी सा बनेगा इंशाल्लाह। तो बस आज जो है मेरी यही एफर्ट्स हैं, बच्चे भी थे वो भी यही कह रहे थे कि आज नाना अबू को जो है वो विश करते हैं। मैंने कहा चलें वाई नॉट, क्यों नहीं, क्योंकि ये मौका जो है बार बार नहीं आता, तो क्यों नहीं आज हम इसको सेलिब्रेट करें और जो है ना डैडी के साथ मैं अपना कुछ टाइम जो है वो स्पेंड करूं। तो बस जी केक जो है ऑलमोस्ट मेरा डन हो गया है और बस अब इसको मैं ओवन में रख दूँगी बेक होने के लिए। आलमंड केक असल में उनको ज़रा अच्छा लगता है, आपको पता है बड़े जो भी यानी कि बुज़ुर्ग होते हैं उनको जो है क्रीम वाला केक ज़्यादा पसंद नहीं होता, तो मैंने कहा ये आलमंड केक है उनका फेवरेट है, तो आज मैं फिर यही बना लेती हूँ। मोल्ड को मैंने अच्छी तरह से ग्रीस कर लिया है और आलमंड जो है मैंने इसके अंदर अच्छी तरह से फैला दिए हैं। और आप जानते हैं कि ओवन की जो स्पीड है वो 170 होनी चाहिए और ऊपर नीचे का ग्रिल दोनों मैंने इसकी ऑन की थी। और ये है कि केक जो है वो तकरीबन आपका 25 मिनट में बहुत ही ज़बरदस्त जो है वो बेक हो जाता है। जी तो गाइस ये देखें कि केक जो है वो मेरा रेडी हो गया है, बहुत ही मज़ेदार सा ये आलमंड केक बना है, लेकिन आलमंड जो है थोड़े से छुप गई है, तो इसके ऊपर मैंने थोड़ा सा हनी जो है वो अच्छी तरह से यानी कि फैला दिया था, थोड़ा सा लगा के स्पून की मदद से उसको फैला दिया था ताकि थोड़ी केक में जो है वो शाइन आ जाए। और जो मेरे पास फ्रेश क्रीम पड़ी हुई थी उसकी मदद से मैंने लिख दिया है आई लव यू डैडी। तो चलिए चलते हैं डैडी को सरप्राइज़ करते हैं। अभी मैं आ गई हूँ डैडी के रूम में और डैडी को जो है बिल्कुल भी इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं था कि मैं उनके लिए केक बना रही हूँ। बस वो देख रहे थे कि आहिस्ता आहिस्ता से सारे बच्चे जो है इकट्ठे होते जा रहे हैं और डेफिनेटली कुछ ना कुछ इनका प्लान है, तो फिर वो बहुत खुश हुए, बहुत ही ज़्यादा वो एक्साइटेड थे आज जब उन्हें पता चला कि आज फादर्स डे है। आज मैं शुगर टेस्ट की थी 240 उत्तर मिली 300 400 सही गल है। आज का दिन जो है वो मेरा बहुत ही अच्छा गुजरा, बहुत मज़ा आया और बच्चे तो बहुत प्यार करते हैं नाना अबू के साथ। और आप यकीन करें कि डैडी की भी इनके अंदर जान है, स्पेशली अलीज़ा के साथ और हरम के साथ वो बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, और हरम अलीज़ा भी उनकी जान ही नहीं छोड़ते, बस हर टाइम जो है ना उनके रूम में और ज़्यादा से ज़्यादा टाइम जो है वो उनके साथ ही स्पेंड करते हैं। मेरी तो अल्लाह ताला से बस यही दुआ है कि अल्लाह ताला मेरे डैडी को लंबी उम्र दे, सेहत और तंदरुस्ती दे, और जो भी मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स मुझे देख रहे हैं आपके भी वालदैन को अल्लाह ताला सेहत और तंदरुस्ती दे। और इसी के साथ मैं आज की वीडियो का एंड करती हूँ। और प्लीज़ अगर आपको आज मेरी फादर्स डे की वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़।